Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है। तो आज हम पढ़ेंगे कि फ्लावर का अरेंजमेंट प्लांट में किस तरह से होता है। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। हमें ये पता है कि जो फ्लावर है वो शूट सिस्टम से अराइज हुआ है। शूट सिस्टम में जो आपकी मेन स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेम, और हमने पढ़ा था स्टेम पोर्शन में कि स्टेम से ही आपकी लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स ये सब अराइज होते हैं। तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम। तो जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है वो फॉर्म करता है फ्लोरल मेरिस्टम, मीन्स जिससे फ्लावर अराइज होते हैं। यहाँ पे इंटरनोड्स जो हैं दे डू नॉट इलोंगेट बट गेट कंडेंस्ड, और कंडेंस्ड होके दे फॉर्म फ्लोरल स्ट्रक्चर। तो एपिक्स मीन्स एट द टर्मिनल पार्ट आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज होते हैं, क्योंकि आप सबने भी देखा होगा कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, उनकी पोजिशन है इन अ प्लांट, वो सभी प्लांट में डिफर करती है। तो जब शूट टिप ट्रांसफॉर्म होती है इनटू अ फ्लावर, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। तो सॉलिटरी मींस फ्लावर्स आर बॉर्न सिंगली एंड नॉट ग्रुप्ड इन एन इनफ्लोरोसेंस। तो व्हाट इज इनफ्लोरोसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरोसेंस। तो जो ब्रांच है आपका, जो शूट सिस्टम है, उसके एपिक्स पे जो भी फ्लावर फॉर्म होता है, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है उन सभी फ्लोरल एक्सेस का, दिस इज नोन एज इनफ्लोरोसेंस। जैसे हमने देखा था विनेशन, हमने फाइलोटेक्सी देखा, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, तो वैसे ही इनफ्लोरोसेंस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस। अब आपकी फ्लोरल एक्सेस जो है वो दो तरह से हो सकती है। तो आपकी जो एपिक्स है वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है, तो वो उसकी ग्रोथ के बेसिस पे हमने इस इनफ्लोरोसेंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, रेसिमोस एंड साइमोस इनफ्लोरोसेंस। फर्स्ट है आपकी रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस। तो रेसिमोस टाइप में क्या होता है, आपका जो मेन एक्सेस है वो ग्रो होती है और उसमें जो फ्लावर्स हैं वो लैटरली बॉर्न होते हैं। लैटरली मीन्स साइडवेज। अगर ये सेंटर में आपकी मेन शूट सिस्टम है तो लैटरली साइडवेज आपके जो फ्लावर्स हैं वो बॉर्न होंगे। एक्रोपेटल ऑर्डर, प्रीवियसली भी वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर मींस इस टाइप का अरेंजमेंट फ्लावर्स का कि जो न्यू फ्लावर्स हैं वो एपिक्स पे होते हैं और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो बेस पे ग्रो करते हैं। मींस जो न्यू फ्लावर्स होंगे वो अपर साइड पे होंगे जो न्यू आ रहे हैं, और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो प्लांट के बेस पे प्रेजेंट होंगे। तो दिस इज एक्रोपेटल ऑर्डर या एक्रोपेटल सक्सेशन। तो ये किस टाइप के इनफ्लोरोसेंस में देखा जाता है? रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस, जिसमें मेन एक्सेस कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, फ्लावर लैटरली बॉर्न होते हैं इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। तो इसके एग्जांपल्स भी आपको यहाँ दिए हुए हैं। साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस, इसमें क्या है, मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपकी जो मेन एक्सेस है उसके टर्मिनल पार्ट पे फ्लावर ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पे लैटरली ग्रो हो रहे थे, यहाँ टर्मिनली ग्रो हो रहे हैं, एंड इन बेसिपेटल ऑर्डर। तो बेसिपेटल ऑर्डर क्या है, यहाँ पे जो न्यू फ्लावर्स हैं दे आर एट द बॉटम एंड जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो एट द टॉप है प्लांट के। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया आपके एक्रोपेटल ऑर्डर से। तो इनके डायग्राम्स देखते हैं। तो ये डायग्राम्स आपकी एनसीईआरटी में भी है, बेसिपेटल ऑर्डर एंड एक्रोपेटल ऑर्डर। तो बेसिपेटल में हमने क्या बोला था, जो मेन स्टेम है वो टर्मिनेट होती है और आपके जो न्यू फ्लावर्स हैं वो बेस पे हैं, ओल्डर फ्लावर्स जो हैं वो एपिक्स पे हैं। यहाँ पे जो रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस है जिसमें एक्रोपेटल ऑर्डर से ग्रो होता है, इसमें आपके बेस पे ओल्डर फ्लावर्स हैं और एट द एपिक्स न्यू फ्लावर्स हैं। तो जैसा कि आप ये फ्लावर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फ्लावर जो है वो दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो आपके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं दोज आर एसेसरी ऑर्गन्स, और आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं दैट इज स्टेमन एंड पिस्टल या फिर कार्पल। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फर्दर डिवाइडेड है एंथर और फिलामेंट में। तो एंथर इज द बाइलोब स्ट्रक्चर और फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है।
आपका जो पिस्टल पार्ट है दैट इज कार्पल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो फर्दर डिवाइडेड है तीन मेजर पार्ट में, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी के अंदर आपके क्या है, ओव्यूल्स जो कि है फीमेल गैमेट्स, एंथर के अंदर क्या है आपके मेल गैमेट्स दैट इज पोलन ग्रेन। इसके अलावा जो आपके नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या फिर एसेसरी ऑर्गन्स, इसमें आते हैं आपके पेटल्स एंड सेपल्स। तो पेटल इज कोरोला, सेपल इज काइलेक्स। तो पेटल आपके कलरफुल पार्ट है, सेपल आपके ग्रीन कलर्ड पार्ट है। तो बेस जो है आपका दिस इज रिसेप्टिकल एंड दिस इज पडंकल। तो अब सिमेट्री और फ्लावर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसा कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। तो फ्लावर इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं एंड दे प्रोड्यूस गैमेट्स। अब आपके पास जो फ्लावर है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोल अरेंजमेंट शो करते हैं। तो आपके जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट प्लांट में किस तरह से होता है वो अभी हमने डायग्राम में भी देखा। तो आपके जो वॉल्स अरेंजमेंट है, मतलब इसमें आपके स्टेमेन, पिस्टल, काइलेक्स, कोरोला, ये सभी का कैसे प्लांट में अरेंजमेंट होता है, ये आता है वॉल्स अरेंजमेंट में। तो काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आपके मेन पार्ट है। काइलेक्स एंड कोरोला क्या है, एसेसरी ऑर्गन दैट इज नॉन रिप्रोडक्टिव। एंड्रोशियम, गाइनोशियम आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हमने जैसे डायग्राम में देखा रिसेप्टिकल या थैलमस, तो रिसेप्टिकल और थैलमस क्या है, फ्लावर का बॉटम स्वोलन पार्ट इज नोन एज रिसेप्टिकल या थैलमस। अब फ्लावर डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रोडक्टिव पार्ट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसा है, फ्लावर विच हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एंड फ्लावर विच हैव आइदर स्टेमेन और कार्पल इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये हमने प्रीवियसली भी क्लासेस में कई बार पढ़ा है कि बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। अब फ्लावर्स की सिमेट्री के बेसिस पे हम देखते हैं, जैसे हमने चैप्टर 4 में एनिमल्स के केस में देखा रेडियल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री एंड एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ही सिमिलरली आपके प्लांट्स के केस में भी हम तीन डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री देखते हैं। मेन जो है आपकी रेडियल और बाइलैटरल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री एंड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री फॉर बाइलैटरल सिमेट्री। तो आपकी ये दो टाइप्स ऑफ सिमेट्री है सिमिलरली जैसे एनिमल्स के केस में है। और एसिमेट्रिक फ्लावर दैट इज इररेगुलर, जिसमें कोई भी प्रॉपर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होते हैं, When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane, तो वैसे हमने animals में भी पढ़ा था, passing through the center, it is known as actinomorphic plant. तो next is zygomorphic plant. तो zygomorphic में जब हम plant को, flower को divide कर पाएं into two similar halves in one particular vertical plane. तो यहाँ पे प्लांट जो है, यहाँ पे जो फ्लावर है वो दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड होगा ओनली व्हेन इट इज कट थ्रू अ सिंगल वर्टिकल प्लेन। यहाँ पे वो टू इक्वल रेडियल हाफ्स में होगा इन एनी प्लेन। थर्ड इज एसिमेट्रिक फ्लावर व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो कि रेडियल सिमेट्री जिसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री और एसिमेट्रिक फ्लावर। तो आप यहां क्लियरली डायग्राम में देख सकते हो किस तरह से हमने फ्लावर को डिवाइड किया। तो दिस इज फ्लोरल सिमेट्री। तो फ्लोरल सिमेट्री डिवाइडेड है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक फ्लावर। तो व्हाट इज पेरियंथ, तो पेरियंथ इज द नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स एन एनवेलप सराउंडिंग द सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो पेरियंथ कंसिस्ट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। तो काइलेक्स एंड कोरोला का जो पूरा स्ट्रक्चर है जो कवर कर रहा है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, इट इज नोन एज पेरियंथ। अब एक और टर्म आता है दैट इज टेपल्स। तो टेपल वर्ड हम यूज करते हैं एंड इट इज अ डिवीजन ऑफ पेरियंथ। जब आपका पेटल्स एंड सेपल्स आर क्लियरली नॉट डिफरेंशिएटेड इन अ फ्लावर, इट इज नोन एज टेपल्स। तो जैसे कि लिलीज एंड ट्यूलिप में।
तो आपके फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस हो सकते हैं, ये हम डायग्राम में भी देखेंगे। ब्रैक्ट, अब ब्रैक्ट क्या है? रिड्यूस्ड लीफ बेस फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल। तो आपका जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसल, तो हम डायग्राम्स में देखते हैं कि व्हाट इज ब्रैक्टीएट फ्लावर एंड ई ब्रैक्टीएट। तो ब्रैक्टीएट मीन्स जिसमें ये स्मॉल रिड्यूस्ड लीफ बेस प्रेजेंट है, एंड ई ब्रैक्टीएट जिसमें ये लीफ बेस एब्सेंट है। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये आपको और क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।